सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। इसी के साथ अब आर्टिकल 370 इतिहास बन गया है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि केंद्र के फैसले पर सवाल उठाना सही नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। सीजीआई ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा लिया गया फैसला वैध है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। सीजीआई ने कहा कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। हम निर्देश देते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करे। हम निर्देश देते हैं कि चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाए। राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर ही 370 पर कोई आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र बना रहेगा। 5 जजों की बेंच ने 16 दिन तक सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। 20 से ज्यादा याचिकाओं के जरिए आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई थी। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। ये पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के कई नामी गिरामी वकीलों की दलीलें सुनी। फिलहाल इस खबर में इतना ही।